रोहित और बुमराह ने जादू बिखेरा, भारत ने अफगानिस्तान की बखिया उधेड़ा। फिरोज शाह कोटला में भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 का अपना दूसरा मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रही थी और इस मुकाबले को भारतीय कप्तान और भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन और सबसे उत्तीर्ण तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक तरफा बना दिया। ये मुकाबला जब शुरू हुआ तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अफगानिस्तान टीम भारतीय टीम को टक्कर दे सकती है, लेकिन मुकाबला अंत होते होते ये तय हो गया था कि अभी अफगानिस्तान और इंडिया की टीमों में फासला बहुत बड़ा है और अफगानिस्तान टीम को काफी लंबा फासला तय करना है। लेकिन इस मुकाबले की बात करें तो यहाँ पे भारतीय टीम के लिए दो जीत के हीरो रहे, वो रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय टीम के पेस अटैक के लीडर जसप्रीत बुमराह। बैटिंग पिच थी वहां पर अफगानिस्तान टीम एम बनाकर आई थी कि कम से कम एटलीस्ट 300 तो पार कर जाना चाहिए हम लोग को, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उनके मंसूबों पर पानी फेरा और अपने 10 ओवरों के स्पेल में 4 विकेट निकाले। ये जो पिच थी वो गेंदबाजों के मुफीद नहीं थी, यहाँ पे चौके और छक्के बल्लेबाज काफी आसानी से जड़ रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह को मार पाना किसी भी गैरू गैरू बैट्समैन के लिए बहुत बड़ी बात होती है और वैसा ही आज के मैच में साबित हुआ। जसप्रीत बुमराह ने दिखाया कि उनके अंदर क्वालिटी है, उनकी गेंदबाजी के लिए पिच मैटर नहीं करती कि पिच बल्लेबाजों के लिए है अच्छी या गेंदबाजों के लिए अच्छी है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल से मतलब होता है और हर एक पिच के लिए उनके पास वेरिएशंस मौजूद हैं, उनके किटी में बॉलिंग मौजूद है। तो जसप्रीत बुमराह ने अफगानिस्तान टीम को मात्र 272 रनों पर रोक दिया। तो फिर उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का तूफान आया, रोहित ने पूरी तरीके से बखिया उधेड़ दिया। जो बचा खुचा कसर था जो बुमराह ने छोड़ा था वो अपनी बल्लेबाजी से कप्तान रोहित शर्मा ने पूरा कर दिया और भारतीय इतिहास का, वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक भी कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में ठोक दिया है। तो देख लेते हैं कप्तान रोहित शर्मा ने कितना स्कोर किया इस मुकाबले में। रोहित ने 131 रन बनाए, 84 गेंदों का सामना किया जिसमें 16 चौके और 5 छक्के जड़े। रोहित के अलावा विराट कोहली ने जो बचा खुचा कसर था, जो बचा खुचा काम था उसको पूरा किया। 68 की पारी खेली, कोहली ने 55 रन बनाया 56 गेंदों पे और प्योर मास्टर क्लास इनिंग, रिस्क फ्री इनिंग, 6 चौके इस पारी में जड़े। तो भारतीय टीम ने इस मुकाबले को मात्र 35 ओवरों में समाप्त कर दिया है और अपने नेट रन रेट में भी बहुत इजाफा किया है। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान टीम के नजरिए से देखें तो अफगानिस्तान टीम को अभी बहुत प्रोग्रेस करना बाकी है, अफगानिस्तान की खासकर गेंदबाजी अटैक को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ अभी राशिद खान के रूप में ही क्वालिटी मौजूद है और उन्होंने दिखाया कि राशिद खान क्यों सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज है। इस पिच पर भी उन्होंने 2 विकेट निकाले, भारतीय टीम के जो 2 विकेट गिरे वो राशिद खान के ही नाम गए। ईशान किशन को पहले आउट किया, फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को राशिद ने बोल्ड करके चलता किया पवेलियन की ओर। लेकिन भारतीय टीम ने इस मुकाबले को एक तरफा कर दिया और वर्ल्ड कप 2023 में अन्य टीमों को एक संदेशा भेज दिया है कि सभी लोग तैयार रहें क्योंकि भारतीय टीम इस समय उड़ान भर चुकी है और उसकी लैंडिंग 19 नवंबर को जो फाइनल होने वाला है वहीं पर डायरेक्ट अब होगा। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही, आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।